ये तो सब राष्ट्र की बर्बादी के काम में लगे हुए लोग हैं, इनको तो राष्ट्र का हीरो कैसे कहें, ये तो टॉप मोस्ट विलेन। और दुर्भाग्य क्या है हम सब लोगों का कि इन्हीं विलेनों की फोटो हमारे घरों में मिलती है। वो शाहरुख खान की भी फोटो मिलेगी, जूही चावला की भी मिल जाएगी, करिश्मा कपूर की भी मिल जाएगी, सचिन तेंदुलकर की भी मिल जाएगी। हमको तो अकल ही नहीं है और हमको ये भी समझ में नहीं आता कि कौन राष्ट्र का दुश्मन है और कौन राष्ट्र का दोस्त है। हम तो अपने पराये का भेद भी खत्म कर गए, ये भी नहीं समझता कि किसकी फोटो होनी चाहिए किसकी नहीं होनी चाहिए। और इन खिलाड़ियों की आप राष्ट्रभक्ति की पहचान करें तो करिए कि जिस समय हमारे देश के जवान पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ अपने जमीन का एक एक इंच बचाने के लिए सीने पर गोलियां खा रहे थे, उस समय हमारे क्रिकेट खिलाड़ी इंग्लैंड में पाकिस्तानियों से मैच खेल रहे। अगर इनमें थोड़ी भी राष्ट्रभक्ति होती और थोड़ी भी देशराज की भावना होती तो जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और कहते कि ये मैच संभव नहीं, हम इंग्लैंड में खेलें विश्व कप या ना खेलें, लेकिन ये हमारे राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है, हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रश्न है, ये मैच संभव नहीं है भारत पाकिस्तान का। आपको जो करना है करिए, आप हमारी टीम को डिबार करना चाहते हैं कर दीजिए, हमारी टीम को ग्रुप सिक्स में से निकालना हो तो निकाल दीजिए, हम मैच नहीं खेल सकते क्योंकि राष्ट्र के स्वाभिमान से बड़ा तो कोई मैच नहीं होता दुनिया में, राष्ट्र की अस्मिता से बड़ा तो कोई मैच नहीं होता पूरी दुनिया में। लेकिन किसी ने नहीं कहा, पाकिस्तान से बाकायदा मैच हुआ और मैच खत्म हुआ, उसके बाद और मैच हुआ वो भी खत्म हुआ, और जब ये पक्का हो गया कि हिंदुस्तान की टीम अब सुपर सिक्स में हार गई है और झोली डंडा लेकर वापस आने वाली है, तब इनमें कारगिल प्रेम पैदा हुआ, उसके पहले कहां था। मैच चूंकि खत्म हो गया और कुछ काम नहीं था धंधा नहीं था तो कारगिल प्रेम पैदा हो गया, ये तो सब आर्टिफिशियल है बनावटी। ऐसे हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं या ऐसे हमारे देश के स्टार्स हैं जिनको आप एक्टर एक्ट्रेसेस कहते हैं।